मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश में वर्ड एंड एक्सप्रेशन बुक में यूनिट 11 उसका अध्ययन करेंगे। चलिए यूनिट 11 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो सी वर्कबुक पेज नंबर 152-154। वर्कबुक आप सभी बच्चों वर्कबुक की पेज नंबर 152-154 तक निकालिए। इसमें ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुने और इसका उत्तर देखें। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पर्सन बीइंग इंटरव्यूड। आंसर इज ही इज अ डिटेक्टिव, यानी जासूस होता है, अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस वाक्य को कंप्लीट करना है। सून एज द डिटेक्टिव एंटर्ड द रूम ही एक्सक्लेम्ड द प्लेस केयरफुली। यानी जब जासूस कमरे के अंदर प्रविष्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ अ डिटेक्टिव। जासूस का कौन सा जो है एक कैरी गन्स। अकॉर्डिंग टू द डिटेक्टिव दीज आर सम क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल इन हिज प्रोफेशंस। व्हाट आर दीज एंड व्हाई आर दे एसेंशियल्स। अकॉर्डिंग टू द डिटेक्टिव द फॉलोइंग आर सम क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल इन हिज प्रोफेशन। तो बीइंग वॉचफुल, पेशेंस, एबिलिटी और गैदरिंग एंड हेल्पिंग attitude. Question 5. What information should the PI have in order to locate someone? Answer. PI should have the following in order to locate someone. Name with the extract, spelling, date of birth, social security number, last known official address. Where she has lived within the past 15 years. Question number 6. In the sentence given below, the word aviators means sunglasses. Now choose the appropriate meaning for the underlined word from the options given. Underline the statue of aviators, his eyes scan the room. So, aviators got the Irish. Read the following passage and answer the question. आप वर्कबुक की पेज नंबर 155 पे निकालिए और इस पैसेज को पढ़िए और इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखिए। ठीक, तो क्वेश्चन है इसमें हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटेक्टिव। तो इसका उत्तर जो आएगा इसमें आएगा मुकेश बख्शी, शेरलॉक होम्स, एलिफेंट पेरिट्रेट। फिर इसका उत्तर आपको देखना है पढ़ के। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको हल करें। अब फाइंड द एटम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ऑल ऑफ देम आर गिवन इन द टेक्स्ट। एटम्स का मतलब होता है विरोधी, तो इसका उत्तर लिखेंगे।
लिखा एक्टिवली ए सी टी आई वी ई एल वाई डी डिसकंटिन्यू डी आई एस सी यू एन टी आई एन यू ई डी का अपोजिट होगा कंटिन्यू स्पेलिंग सी ओ एन टी आई एन यू ई डी नेक्स्ट ई प्रेजेंस पी आर ई एस ई एन प्रेजेंस का अपोजिट है एब्सेंट ए बी एब्सेंस ए बी एस ई एन सी ई देन एफ मॉडर्न एम ओ डी ई आर एन मॉडर्न का अपोजिट होगा ट्रेडिशनल टी आर ए डी आई टी आई ओ एन ए एन नेक्स्ट जी अनकंसर्न यू एन सी ओ एन सी ई आर एन ए डी का अपोजिट होगा कंसर्न सी ओ एन सी ई आर एन ई डी सो बच्चों ये हो गए विरोधी शब्द हैं एंड टर्म्स क्वेश्चन टू है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इसमें खाली स्थान को फिल करना है तो ए बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक यू टू स्टे एट माय प्लेस तो उत्तर आएगा ठीक है ये आएगा फर्स्ट वाला है आप लोग को उसको फिल करना है फर्स्ट आएगा टू स्टे ये वाला ठीक है बस सेकंड टू हेल्प टू थर्ड टू हेल्प या टू टीम अप फोर आएगा टू चेंज फाइव टू फोन अप सिक्स टू असिस्ट सेवन टू पे एट टू क्लियर ऑफ ठीक है स्टूडेंट तो ये आप उसको फिल कर यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ अपोजिट इन sentences one has been done for you निम्नलिखित युग्मों का उपयोग वाक्यों में करें निम्नलिखित युग्मों का उपयोग वाक्य ने सेंटेंस बनाना है चलिए तो पहला शब्द है इसमें एल ओ एस ई लूज या गेन यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू गेन आपको ये फॉर एग्जांपल दिया है ये लूज और गेन का ठीक ये इसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको इनके जो शब्द दिए हैं इनके आपको वाक्य बनाने हैं ठीक तो उसमें फर्स्ट आता है हॉट और कोल्ड इसमें आएगा आई यूज हॉट वाटर इन बाथिंग बट पापा यूज कोल्ड वाटर ठीक सेकंड बी ब्यूटीफुल और अगली का बनाना है तो द मेल पीकॉक इज ब्यूटीफुल बट फीमेल इज अगली सी स्मार्ट और फुलिश द रोड इज लोनली यू आर अ स्मार्ट बॉय बट दिनेश इज फुलिश डी Lonely and busy. The road is lonely. Where is our colony road is busy. Fifth, great little. Your brother has a great interest. Is noble reading. But my brother has little. Then F, live and life and die. We live to die one day. ठीक है student आपने जो ये सीखा विरोधी शब्द और ये वाक्यों में इसका उपयोग करना आप इसको अच्छे से पढ़ें अच्छे से रीडिंग करें स्पेलिंग का ध्यान रखें और कॉपी में लिखें प्रैक्टिस